नमस्कार प्रणाम से सिद्धिया काल अदाब गो लागतानी हमारा नाम भाई अमित प्रताप है। आज हम पहुंचे बाकी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के नाथ नगर विकास खंड के सिविलियन विद्यालय बरौली में, जहां पे आपको दिखौली है अभी यहां के बच्चे झाड़ू लगावत हैं, जहां माँ बाप विद्यालय पे बच्चन के शिक्षा ग्रहण करे खर्चिन भेजल है, वहीं पर विद्यालय के अध्यापक लोग खड़ा रहना है और बच्चे झाड़ू लगावत हैं। आज खुद यहाँ पे मौजूद एक प्रधान अध्यापक है या कौन है उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार, राम राम। राम राम भाई, किस पद पे हैं आप? प्रधान इंचार्ज। प्रधान इंचार्ज, अभी देखे बच्चों से झाड़ू लगवा रहे थे विद्यालय में? हम भी झाड़ू लगाए हैं, बच्चे भी हमारा सहयोग करते हैं। नहीं तो कौन से आदेश में है कि बच्चे विद्यालय में झाड़ू लगाए? माँ बाप किस लिए भेजते हैं झाड़ू लगवाने के लिए? बाप विद्यालय पे भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और विद्यालय पे सफाई कर्मी प्रतिदिन समय से तो आता नहीं है, तो हम सारे लोग मिल करके अध्यापक और बच्चों से हम साफ सफाई करवा लेते हैं। अभी देखे सब अध्यापक तो खड़े थे, बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। ऐसा है, हम खुद किसी आप बच्चे से आड़ में आप पूछ लीजिए कि माँ साहब झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अच्छा, कितने स्टाफ है आपके विद्यालय पे? कितने लोग उपस्थित हैं? पाँच। एक लोग कहाँ है? एक अवकाश चढ़ा हुआ है। और तो ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि कोई आदेश है, कौन आदेश? तो हमको विभागीय निर्गत नहीं है, लेकिन अभी मीटिंग किस दिन थी? शुक्र चौहान, शनिवार को। शनिवार को मीटिंग थी, SDI महोदय ने कहा कि एक विद्यालय पे बच्चों के से और अध्यापक के द्वारा प्रतिदिन के लिए एक समिति बना ली जाए साफ सफाई की, उसमें बच्चे भी प्रतिभाग हमारे करेंगे, अध्यापक भी प्रतिभाग करेगा, केवल बच्चा ही सफाई नहीं करेगा, अध्यापक को भी सफाई करनी है। लिखित लिखित कोई है कि? लिखित तो आदेश नहीं मिला, लेकिन SDI साहब का मेरे अरुण प्रताप जो है, मैं अभी बात कराता हूँ। इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर आप लिखित नहीं दिए तो? जिम्मेदार तो अब तो आप देखिए, अब जिम्मेदार वास्तव में सारा दोस्त तो मेरा है जी, जी। लेकिन कहिए तो मैं SDI साहब से भी बात करूँगा। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से हमारा बात भाई बताऊना के यहाँ के जो SDI साहब है उन्होंने इनसे एक मीटिंग में कहा है कि बच्चे ही विद्यालय पे झाड़ू लगाएंगे और सफाई कर्मी कहे कि बच्चे ही जिम्मेदार और मास्टर जिम्मेदार होंगे, इसलिए मास्टर के मौजूदगी में बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। अभी कहा बा अभी हम BSA से बात करते हैं एक बारे में कि कौन सा ऐसा कानून आपने बना दिया कि जो बच्चे के माँ बाप जो गरीब बच्चे हैं जिनके टैक्स से स्कूल के अध्यापक को सैलरी मिलती है, जिन गरीब बच्चों के वह बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और अध्यापक उनसे झाड़ू लगवाते हैं, बने लगे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।